ज्ञानवापी का मसला इन दिनों चर्चा में, जितने मुंह उतनी ही बातें। ज्ञानवापी मस्जिद कब बना, क्या अकबर के ज़माने का था, जौनपुर के सुल्तान ने बनवाया, औरंगजेब ने तोड़कर बनवाया, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी की अदालत तक में, आस्था की गलियों से निकलकर ये पूरा मामला अब कोर्ट कचहरी के गलियारों में चक्कर लगा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस इतिहास के बारे में कि आखिर इस मस्जिद को लेकर क्या कहानी है, और इससे बेहतर हमें कौन बताता। अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और वाराणसी के मुफ्ती भी हमारे साथ, अब्दुल बातिन नुमानी साहब। नुमानी साहब, हम आपके पास आए हैं सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए कि कब ये मस्जिद आया जो आजकल हम देख रहे हैं, उसकी कहानी क्या है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। देखिए, ये मस्जिद अकबर के भी ज़माने में मौजूद थी और औरंगज़ेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है और इसके हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि ये अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। तो जब ऐसा है तो इसके बारे में कोई इस तरीके की बात कहना कि फ़लाँ ने तोड़ कर बनवा दिया मंदिर को, ये मस्जिद बनवा दिया, तो पहली बात तो ये हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस्लाम में ये नियम है कि मस्जिद जब भी बनाओ तो अपनी जायज़ पाक हलाल कमाई से ली हुई ज़मीन पर बनाओ। यदि अगर कोई नाजायज़ ज़मीन को हथिया कर या हराम पैसे कमा कर, हराम पैसे से ज़मीन ख़रीद कर उस पर, या किसी मंदिर को तोड़ कर या किसी के घर को तोड़ कर मस्जिद बना लेता है तो वो मस्जिद मस्जिद है ही नहीं और इस बात के लायक ही नहीं है कि वो उसमें नमाज़ पढ़ी जाए। अब जब यह बात है, इस्लाम का यह नियम है, उसका आज तक पालन हो रहा है, हर जगह उसका ख्याल रखा जाता है। आप देखते होंगे कि मस्जिदें बनती हैं तो लोग चंदे देते हैं तो उनसे ताकीद की जाती है कि भाई जायज़ और हलाल पैसा इसमें लगे। ये जानना चाहता हूँ, बस एक बात ये जानना चाहता हूँ, ये तो सब मानते हैं इस बात को, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ। आम तौर पर एक कहानी ये है कि जब औरंगजेब शहंशाह थे तब उन्होंने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। यही मैं कहना चाहता था कि ये बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ है। औरंगज़ेब दीगर बादशाहों के मुकाबले में बहुत नेक थे। हम जितना आदर और सम्मान औरंगज़ेब का करते हैं, ना शाहजहां का करते हैं, ना आलमगीर का करते हैं, ना अकबर का करते हैं, ना हुमायूं का करते हैं, किसी का नहीं करते, ना बाबर का। जितना ज़्यादा सम्मान औरंगज़ेब का, क्यों? इसलिए कि वो नेक आदमी थे और मानवता से प्यार उनको था, अल्लाह से भी मोहब्बत करते थे, अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत करते थे और खिदमत वो सबकी करते थे। यही वजह है कि उन्होंने जहाँ मस्जिदें बनवाई, बहुत सारे मठों को बनवाया, मठों के लिए जागीरें दी, जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है। इस बात को मैं अगर देखूँ मोटे तौर पर तो इस मस्जिद को ज्ञानवापी थोड़ा सा वो हिंदू और संस्कृत से मिलता जुलता हुआ मामला है, तो कैसे ये हो गया फिर? देखिए, ये उसका असल नाम आलमगीरी मस्जिद है। आलमगीरी मस्जिद ही इसका नाम है। आप कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का असली नाम जो है वो आलमगीरी मस्जिद है? हाँ, उसका असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी आज के डेट में एक मोहल्ले के तौर पर देखा जाता है, ये अलग बात है। उसकी तारीख कुछ बतलाते हैं, ज्ञान के माने ये और वापी के माने ये और ये क्या क्या बातें वहाँ कहते हैं। हाँ, लेकिन आज के डेट में वो एक मोहल्ले के रूप में जाना जाता है। मतलब जिस मोहल्ले में ये सब मस्जिद बना, मोहल्ले की वजह से भाई उस मोहल्ले की मस्जिद है। असल नाम उसका आलमगीरी मस्जिद है और अब चूंकि मशहूर एक चीज़ चल पड़ी है, इसलिए मुस्लिम भी उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, बहुत से गैर मुस्लिम भी कहते हैं, लेकिन असल नाम उसका आलमगीरी मस्जिद है। आप चूंकि इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के हैं, अभी जो सर्वे की बात हुई, आपकी कमेटी के लोग भी थे, चूंकि वो भी एक पक्ष हैं और दूसरे भी पक्ष हैं, तो तमाम जब बातें कही जा रही हैं कि ये मिल गया, स्वस्तिक मिल गया, गणेश मिल गए, कमल मिल गए, और सबसे तो बड़ी बात ये कही जाने लगी जहाँ आप लोग वजू करते हैं, जो कुएं जैसी चीज़ है, वहाँ पर कहने लगे कि बाबा मिल गए, शिवलिंग मिल गए। देखिए, आपको भी मालूम है कि सर्वे एडवोकेट कमीशन को ये हुक्म दिया गया था वीडियोग्राफी का, और 17 तारीख को उन्हें वीडियोग्राफी की रिपोर्ट पेश करनी थी कोर्ट में, और उससे पहले इसी बनारस के डीएम साहब ने जब ये देखा कि लोग कुछ दावा कर रहे हैं, ये अंश मिला, ये मूर्ति मिली, ये मिला, वो मिला, तो काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह था और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही थी और माहौल ख़राब हो रहा था। डीएम साहब ने बाज़ाब्ता मीडिया के सामने आकर
साफ और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर देता, उससे पहले अगर कोई आदमी इस तरीके की बात करता है कि हमें ये मिला वो मिला, कोई उसकी निजी राय तो हो सकती है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम भी डीएम साहब की ही बात को सही मानकर चल रहे हैं, और जब तक कमीशन के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट दाखिल ना कर दे, कोई का कोर्ट का फैसला ना आवे, कोई भी चीज़ सही नहीं मानी जा सकती। चाहे वो तहखाने के अंदर जा वीडियोग्राफी के दौरान ये कह रहे हो कि हमें ये मिला वो मिला, और चाहे ये फव्वारा जिसको शिवलिंग बताकर आज पूरे प्रोपेगेंडा किया जाए, चाहे उसका मामला हो, कोई भी वो सब चीज़ उसमें शामिल है। अभी कोर्ट का आदेश ही नहीं हुआ, कोर्ट में रिपोर्ट ही दाखिल नहीं हुई, तो ये पहले से ये सब चीज़ कैसे चली आई? आपका कहना ये है कि आस्था से नहीं, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। बिल्कुल संविधान से चलना चाहिए और चलेगा। वो लोग जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं ना कि जिसको आप कह रहे हैं कि फाउंटेन का हिस्सा है, फव्वारे का हिस्सा है, तो उसमें पाइप लगा कर देखें पानी कहाँ निकलता था, तमाम तरह की चीज़ें करें। देखिए, आपको ने फव्वारा देखा, आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा, उसमें छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही, तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर, हम कैसे उससे वजू करते हैं? आपको मालूम है कि नमाज से पहले वजू किया जाता है, उसी से एक ज़माने से हम वजू भी करते हैं, तो वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा। और आज आप पुरानी जितनी इस तरह की मस्जिदें हैं पूरे यूपी के अंदर, कम से कम आप देख लीजिए कि 50 मस्जिदों के अंदर वो हौज भी मिलेगा जो वहाँ पे, और उसमें बीच में फव्वारा भी मिलेगा। और यहाँ भी फव्वारा था, चालू था, और उसमें एक पाइप भी लगा हुआ था, जर्जर होने की वजह से पाइप टूट गया और उसकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं हो पाई। लेकिन और ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है। आपने खुद देखा? मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी उम्र से बड़े लोग हैं उनको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की और एक लीगल कमेटी बना दी है कि तमाम कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं आपकी मदद के लिए, आप लोग उनकी मदद लेंगे? भाई अब हम तो यहाँ बनारस शहर में खुद ही इतने अच्छे अच्छे वकील हैं और हर तरीके की मदद करने वाले और सरीके के, तो अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है कि बाहर से हम किसी तरीके का किसी का सहयोग या मदद लें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरीके के हालात आते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो भाई कसम भी नहीं है हम गौर करेंगे, मशवरे की हद तक तो हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तक कांटेक्ट किया आप लोगों से? नहीं, बराह रास्त तो अभी हमसे कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन उनके जो बयान आ रहे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपने देखा और पढ़ा और सुना? बयान उनके देखे, प्रेस रिलीज भी देखी है, तो उन्होंने वो लोग भी काफ़ी फिक्रमंद हैं। और यही पर्सनल लॉ बोर्ड ही क्या, इस मुल्क के जितने अमन पसंद और इंसाफ पसंद नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब फिक्रमंद हैं और सब परेशान बने हुए कि क्या हो रहा है, ये किस समत इस मुल्क को ले जाया जा रहा है सब। तो ये एक चीज़ है, एक माहौल इस तरीके का बन गया है, अफसोसनाक बात है। तो सब लोग फिक्रमंद हैं, सब परेशान हैं। खुद बनारस के जो बहुत से अमन पसंद हमारे हिंदू भाई हैं जो हमेशा मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते चले, वो परेशान है भाई ये सब क्या हो रहा है। सब जानते हैं लड़ाई लंबी है, लंबी भी हो सकती है, कब तक चले उसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। और बहुत मुमकिन है कि भाई बात समझ में जल्दी आ जाए, हो सकता है जल्दी मसला हल हो जाए, मामला ख़त्म हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा और पूरी बातें भी बताई, और ये कह रहे हैं कि मामला आस्था का नहीं है, किसी के विश्वास का नहीं है, मामला कानून का है और संविधान का है, और कोर्ट के फैसले पर उनको इस बात का विश्वास है कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। फैसल के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।